जर्नी निंटो। अगर अनुभव की बात करें तो ये यात्रा मेरे जीवन में बहुत पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रहा हूँ और मुझ में जमीन की एक तरह की समझ है, तो इसके साथ मेरा जुड़ाव बहुत लंबे समय से है। पर 1998 से इस पर काम शुरू हुआ था। उस साल संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों ने तमिलनाडु में आकर भविष्यवाणी की थी कि 2025 तक तमिलनाडु की 60% मिट्टी रेत में बदल जाएगी। तो जब मैंने ये देखा तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैंने तमिलनाडु के चारों ओर ड्राइव करने और खुद देखने का फैसला किया। फिर मैंने देखा कि वो जो कह रहे थे वो गलत था, क्योंकि मेरे अनुभव में मुझे लगा कि ऐसा 2025 से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में 3 12-मासी नदियां सूख चुकी थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना होगा। तो उस समय पूरे तमिलनाडु की औसत हरियाली 16.5% थी, राष्ट्रीय स्तर पर आकांक्षा 33% की थी। तो मैंने कहा कि हमें इसे 33% तक लाना होगा, हमें क्या करना होगा। मैंने एक सरल सा हिसाब लगाया, तो मैंने हमारे वॉलंटियर्स के ग्रुप को बुलाया और कहा हमें 14 करोड़ पेड़ लगाने होंगे। उन्होंने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। बोले, सदगुरु 14 करोड़ पेड़ इतने कौन लगा सकता है। मैंने पूछा हमारी आबादी कितनी है। उन्होंने कहा 62 मिलियन। देखिए, अगर हम सब एक पेड़ लगाएं और 2 साल तक उसकी देखभाल करके फिर एक और पेड़ लगाएं तो हो जाएगा। ये किया क्यों नहीं जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम सब खा तो रहे हैं पर हम सभी जमीन को ठीक करने को तैयार नहीं है। बात बस इतनी ही है। तो इसके आधार पर हमने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स नाम का एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों लाख पेड़ लगाए गए, जो अब भी जारी है। और हमने 120,000 से ज्यादा किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती से जोड़ा, जिससे हमने मिट्टी की क्वालिटी में और भोजन के पोषण मूल्यों में काफी सुधार देखा। और सबसे बढ़कर किसानों के लिए ये एक आर्थिक प्रक्रिया है, क्योंकि 7 से 8 सालों में उनकी कमाई 300 से 800% के बीच बढ़ रही है। जैसा कि ईशा ने समझाया था, पिछले 15 सालों से मैं अपने खेत में पेड़ लगा रहा हूँ। अब मेरा खेत पेड़ों पर आधारित कमाई पैदा करने वाला खेत बन गया है। जब मैंने अपनी मिट्टी का टेस्ट किया था, कार्बन की मात्रा पहले 0.5 थी, अब कार्बन की मात्रा बढ़कर 1.3 हो गई है। I come across Rally for Rivers. मुझे नदी अभियान और कावेरी पुकारे अभियान के बारे में पता चला। मैंने अपनी खेती की जमीन में ज्यादा कीमत वाली लकड़ी के पेड़ों की 6 अलग-अलग किस्मों के लगभग 2000 पौधे लगाए। 15 से 20 सालों के समय के अंदर ये मुझे लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की कमाई दिला देगा। अब तो मेरा भविष्य उज्जवल है। एक जरूरी चीज जिस पर मैं अभी जोर दे रहा हूँ वो ये कि हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस या जंगल की पैदावार शब्द को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लकड़ी चाहिए आप इसे उगाइए, अगर आपको शहद चाहिए आप इसे उगाइए, आपको बाकी जो कुछ भी चाहिए आप उसे अपनी खेती की जमीन पर उगाइए। अभी हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 70,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की लकड़ी का आयात कर रहे हैं। ये 70,000 करोड़ अगले 20 सालों में हमारे किसानों के पास जा सकते हैं अगर हम अभी से पौधे लगाना शुरू कर दें तो। इसका मतलब ये नहीं कि हम खेती छोड़ दें, हम लगभग हर फसल उगा सकते हैं। पिछले 22 सालों से हमने यही साबित किया है। मेरा काम है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मिलन को अंजाम देना, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे से नहीं जुड़ी तो पर्यावरण हार जाएगा। इसके आधार पर हमने अगली चीज शुरू की, क्योंकि मैंने देखा कि जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर कई नीतियों से जुड़ी रुकावटें थी। ये इस तरह से किया गया, मैं 29 दिनों में कन्याकुमारी से हिमालय तक गया और मैं 16 राज्यों से गुजरा। उस समय इन 16 राज्यों में 6 अलग-अलग राजनीतिक दल थे। हमें उन सभी राजनीतिक दलों से पूरी भागीदारी मिली, क्योंकि 16 करोड़ 20 लाख इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। हमें समझना होगा लोकतंत्र में सिर्फ एक ही ताकत होती है, वो है लोगों की संख्या। मैंने ये नीति दस्तावेज प्रधानमंत्री को शाम करीब 6:20 दिया। अगले दिन 11 बजे से ठीक पहले पीएमओ हमें फोन करता और कहता है एक विशेष सेल बनाया गया है और उनको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए। 3.5 महीने के भीतर नीति आयोग ने सभी 28 राज्यों के लिए एक नीतिगत सिफारिश बना दिया। मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा, नदियों की निर्मलता और अविरलता को
आपने जिस प्रकार से बल दिया, समर्पण भाव से काम किया, नदियों को पुनर्जीवित करने की आपकी जो पहल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। हमने पहले ही DPR तैयार कर लिया है 13 नदियों के लिए, और मैं हमेशा मानता हूं कि विचार आप जैसे लोगों से आता है। आपकी ताकत है विचार, हमारी ताकत है उसे आगे बढ़ाना। हम बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। So that is the story of Rally for Rivers. तो ये नदी अभियान की कहानी है। हम जानते थे कि हमें एक बड़े पैमाने का सैंपल करके दिखाना होगा। यही कारण है कि हमने कावेरी पुकारे अभियान शुरू किया, क्योंकि मैं कावेरी के आसपास पला बड़ा हूँ। 50 साल पहले उसमें जितना पानी हुआ करता था, आज केवल 40% रह गया है। कावेरी पुकारे एक जारी प्रक्रिया है। कर्नाटक में 9 जिले हैं जो कावेरी बेसिन को कवर करते हैं। हम इन 9 जिलों में ही काम कर रहे थे, और अगस्त सितंबर के महीने में हमारे पास हमारे स्वयंसेवकों ने भीतर जाकर लगभग 6 हफ्ते के समय में 1800 आयोजन किए 1800 पंचायतों में। इसे देखकर अब कर्नाटक सरकार ने गए 2 हफ्ते के दौरान हमें 31 जिलों में इसे लागू करने के लिए एक आमंत्रण भेजा, यानी कर्नाटक के सभी जिले। UNCCD कावेरी कॉलिंग की सफलता को देखते हुए अब कावेरी पुकारे को ट्रॉपिकल दुनिया में एक आदर्श परियोजना के रूप में पेश कर रही है। कावेरी कॉलिंग बड़े पैमाने की एक ऐसी परियोजना हो सकती है जो सबसे कमजोर आबादी की रहने की स्थिति को सुधार सकती है, और उस जमीन की भी मदद करती है जो हम सभी के जीवन का सहारा है। मेरे लिए आप सतत विकास लक्ष्यों के अवतार हैं, क्योंकि वैसे तो 17 लक्ष्य हैं, लेकिन वे सभी आखिर में इन 2 चीजों के बारे में हैं, लोग और यह धरती। लोगों की स्थिति सुधारना और धरती की रक्षा करना, यही आपका मिशन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महामारी ने किसी भी तरह हमें धीमा नहीं किया है। हमारे स्वयं सेवकों का समर्पण, अपने खुद के स्वास्थ्य और खुशहाली को जोखिम में डालते हुए वे बाहर निकल कर यात्राएं कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। हमें इसे समझने की जरूरत है। कावेरी पुकारे हमारी अपनी बस कोई काल्पनिक परियोजना नहीं है। ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साबित करना कि जिस मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई है, उसे योजना और रणनीति की मदद से फिर से ठीक करना संभव है। तो हर कोई इसका हिस्सा बने और आइए इसे संभव बनाएं। ये धरती पर हमारा समय है। हमें लोगों की एक पीढ़ी के रूप में ये दिखाना होगा कि हम पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। राष्ट्रस्य महा